हिमाचल प्रदेश में चार लोकसभा सीटों के लिए तेजी के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के तेलका पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इनके ख्याली पुलाव हैं जो पूरे नहीं होने वाले। साथ ही उन्होंने कंगना रनौत को भी जमकर घेरा। आप यहाँ पे जयराम आए कि नहीं आए? बेचारे फंसे हुए हैं कंगना में, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। वहां से ले आए मुंबई से उसको, अब वो गाड़ी में बैठी रहती है, पीछे पीछे जयराम भाग रहे होते हैं। आपने देखा एक दिन तो नीचे गिर गए, कंगना उसके ऊपर से चली गई। ये हालात बने हुए हैं। कल मैं सुन रहा था, वहां पे कह रही थी कि थप्पड़ मारेंगे चपेड़े मारेंगे। मैंने कहा ये मंडी में कह रही है, जरा ऊना में आके कहना जरा। 45 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, लू वैसे चल रही है और मिजाज के लिए हम जाने जाते हैं। कैसे कैसे लोग जो है राजनीति में आ गए, किस ढंग की बातें कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी 60 साल की उनकी राजनीति, 6 दफा प्रदेश के मुख्यमंत्री, 14 दफा सांसद और विधायक, और उसके बाद प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के नेता, पता नहीं क्या क्या रहे। और पहाड़ के लोग तो उनको सिर आंखों पे बिठाते, उनके बारे में बोलती जा रही है। और वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने थे कि उनको, वो राजा थे तो इसलिए मुख्यमंत्री बन गए। बकायदा चुनाव जीत के जाते थे, विधायक समर्थन करते थे, फिर मुख्यमंत्री बनते थे। कंगना ने तो अभी 64 भी पार नहीं की किसी विधानसभा और लोकसभा की, और ना ही करेगी। विधानसभा की 64 जिस दिन पार करेगी उस दिन, उसके बाद बात करें। आपके सामने जयराम जी बेचारे इलेक्शन से पहले कहते थे रिवाज बदलेगा, उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई, रिवाज बदलेगा। फिर उन्होंने दूसरी फिल्म दी ऑपरेशन लोटस, वो फ्लॉप हो गई। अब तीसरी फिल्म लेके आए हैं कंगना, ये पूरी तरह फ्लॉप हो जाएगी और 4 तारीख को वापस चली जाएगी। लेकिन विक्रमादित्य सिंह का भी सांसद बनना निश्चित है, मैं आपको बता देता हूं, निश्चित है। बहुत परिपक्वता उनमें आई है और बहुत अच्छे से कंपेन उनका हो रहा है। मैं देख रहा था कि बीजेपी वाले जो शुरू में कह रहे थे, इस सीट पे भी कह रहे थे अब की बार 5 लाख पार, आजकल बीजेपी के नेता एक दूसरे को कान में पूछ रहे हैं जीत जाएंगे कि नहीं जीतेंगे। हालात ये हो गए इनके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह परचम लहरा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 जून को 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा उपचुनाव की सीटों के लिए मतदान होना है। ऐसे में अब चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है और पक्ष विपक्ष के प्रत्याशी जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।